गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू टू लेक्चर ऑफ मटेरियल बैलेंस आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि केमिकल इंडस्ट्री में बेसिकली मटेरियल बैलेंस कैसे किया जाता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड बिफोर स्टार्टिंग टू लेक्चर अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक like कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इसलिए डाउनलोड कर सकता है सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि केमिकल इंडस्ट्री में बेसिकली आप सबको पता है कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें बेसिकली आपका एक रिएक्टर होता है जिसमें आप रॉ मटेरियल्स चार्ज करते हैं और आप फाइनल कुछ प्रोडक्ट वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं हैविंग सम फिक्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अब अगर आप मटेरियल बैलेंस की बात करते हैं तो उसे समझाने के लिए बेसिकली दो तरीके से मटेरियल बैलेंस आपका होता है पहला होता है आपका मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन और सेकेंड होता है आपका मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन मीन्स जहां पे एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आपका कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है मान लीजिए आपने किसी रिएक्टर के अंदर दो या तीन रॉ मटेरियल चार्ज किए हैं और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होके कुछ फाइनल अलग प्रोडक्ट मिल रहा है तो एक मटेरियल बैलेंस होगा जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है बट आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसे मटेरियल बैलेंस की जो बेसिकली आपके यूनिट ऑपरेशंस में होता है लाइक like आपके डिस्टिलेशन हो गया ड्राइंग हो गया वेपोरेशन हो गया इन सब के बारे में हम बात करते हैं जहां पे किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है आज के इस लेक्चर में हम जस्ट बात करेंगे मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शंस ये समझने के लिए आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूं आप सबने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स जितना भी मटेरियल कहीं पे इन होता है उतना ही मटेरियल आउट होना चाहिए एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखिए मान लीजिए ये आपका केमिकल रिएक्टर है जो मैंने स्क्वायर से दिखा रखा है यहां पे आपका कुछ इनपुट होता है और कुछ यहां से आपका आउटपुट निकलता है तो ये जो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है ये आपका होगा एक्यूमुलेशन समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्टर के अंदर आप हंड्रेड के जी मटेरियल इन कर रहे हैं लेकिन आप उससे प्रोडक्ट जो निकाल रहे हैं वो ओनली फोर्टी के जी निकाल रहे हैं इसका मतलब कि उस रिएक्टर के अंदर आप सिक्सटी के जी मटेरियल लेफ्ट कर रहे हैं मीन्स अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो इनपुट माइनस आउटपुट मीन्स इनपुट माइनस आउटपुट मैं करूंगा तो वो मेरे को बताएगा कि मेरा रिएक्टर के अंदर एक्यूमुलेशन कितना है अरवाइज अगर एक्यूमुलेशन जीरो है तो इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू इस इक्वेशन में आप एक्यूमलेन जीरो कीजिए तो आप हमेशा देखेंगे कि इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट मीन्स अगर मैं विदाउट केमिकल रिएक्शन मटेरियल बैलेंस की बात करता हूं तो हमेशा इनपुट आउटपुट के बराबर होना चाहिए अगर मेरा रिएक्टर के अंदर एक्यूमलेशन जीरो है अब छोटा सा मैं आपको बता देता हूं यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस के बीच में डिफरेंस यूनिट प्रोसेस में बेसिकली आपके केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे मैं मटेरियल बैलेंस आपको सेपरेटली बताऊंगा इसमें हेलोजेनेशन आपका नाइट्रेशन वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं बट यूनिट ऑपरेशंस के केस में ओनली फिजिकल चेंजेस होते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होता इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका डिस्टिलेशन यापोरेशन एक्सेट्रा तो आज हम बात करेंगे यूनिट ऑपरेशंस में मटेरियल बैलेंस की अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये आ रही होगी कि मटेरियल बैलेंस की बेसिकली आपको जरूरत क्या है आप केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो केमिकल इंडस्ट्री में आपको इसकी जरूरत क्या है और क्यों आपको ये समझना जरूरी है कि मटेरियल बैलेंस क्या क्रिटिकल रोल प्ले करता है सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन मीन्स स्पेसिफिक कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स आपको निकालना है मीन्स जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप कुछ रॉ मटेरियल इन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कुछ आउटपुट मिलना चाहिए इसको एक टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं नॉर्म्स मीन्स एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं जो पहला पॉइंट है यू स्पेसिफिक कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल अगर आपको अपने घर में एक कप चाय बनाना है तो उसमें आपको फिक्स है कि रेसिपी के हिसाब से आपको आधा चम्मच चीनी डालनी है मींस अगर आप पूरे महीने की बात करते हैं तो पूरे महीने में आप उसमें मान लीजिए आपका तीस दिन का महीना है तो आप मात्र पंद्रह चम्मच चीनी डालेंगे बट किसी वजह से आपका चीनी का ज़्यादा हो जाता है मीन आपने सत्रह चम्मच चीनी डाल दी तो उस केस में बेसिकली आपका जो स्पेसिफिक है वो आपका इंक्रीज होता है जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं नॉर्म मीन्स मास बैलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका नॉर्म कैलकुलेशन में सेकेंड ये हमें ये भी चीज आइडेंटिफाई करके बताता है कि कहीं पे मेरा मटेरियल प्रोसेस में कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है कि कहीं पे मेरा मान लीजिए कोई सॉल्वेंट में हैंडल कर रहा हूँ वो सॉल्वेंट मेरा वेंट से लॉस जा रहा हो तो ये मेरे को तभी पता चल पाएगा जब मैं स्पेसिफिक मटेरियल बैलेंस करूंगा कि कितना मटेरियल मैंने डाला और कितना मटेरियल मेरे को फाइनल मिल रहा है एंड लास्ट वन इज इससे मेरे को ये भी समझ में आता है कि कहीं मेरा प्रोसेस या फिर मेरे यूनिट प्रोसेसेस कहीं माल फंक्शन तो नहीं कर रहे हैं मींस मान लीजिए कोई डिस्टिलेशन ऑपरेशन है उसमें मैंने कोई कंटेंसर लगाया है मान लो उसमें जो उसका साइज है वो कम है वहाँ से मेरा मटेरियल लॉस हो रहा हो तो इस तरीके की चीजें भी आइडेंटिफाई करने में मेरा मटेरियल बैलेंस काफी ज्यादा हेल्प करता है अब सबसे पहले मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल बताता हूं लाइक अगर मैं डिस्टिलेशन में मटेरियल बैलेंस की बात करता हूं आप सबने डिस्टिलेशन देखा होगा एक फीड से आपका मटेरियल इन हो रहा है टावर में टॉप से आपका प्रोडक्ट मिलता है और बॉटम से आपका रेसिड्यू खाली हो जाता है तो अगर मैं नॉर्मल मास बैलेंस की बात करूं तो एज पर कंजर्वेशन ऑफ मास जो भी फीड इन हो रहा है क्वल टू समलेट एंड बॉटम प्रोडक्ट ये इक्वेशन आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मटेरियल बैलेंस की तो इसमें मान लीजिए कोई वीक सॉल्यूशन है उसको मैं इन करता हूं असेंबली के अंदर इससे पानी वेपोरेट होता है और बाहर मेरा कॉन्सेंट्रेटेड लिक्वर मिल जाता है तो यहाँ पे मेरा मास बैलेंस क्या बोलता है क्वांटिटी ऑफ वीक लिक्वर इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर व्यापोरेटेड प्लस क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लिक्वर जो ये इक्वेशन आपको नीचे बता रही है मीन्स आपका जितना मटेरियल इन हो रहा है उतना ही मटेरियल आपका आउट होना चाहिए अगर कोई भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो अब एक एग्जाम्पल से हम उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये एग्जाम्पल आपका बोलता है कि टेन थाउजेंड के जी पर आवर ऑफ वीक लिक्वर जिसमें पंद्रह परसेंट आपका एन यू एच है इसको कॉन्सेंट्रेट करना है आपको फोर्टी परसेंट कॉस्टिक मीन्स इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो टेन थाउजेंड के जी पर आवर आपका कोई वीक सॉल्यूशन है जिसमें फिफ्टीन परसेंट कॉस्टिक सॉल्यूशन है कॉस्टिक प्रेजेंट है इसको आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अप टू फोर्टी परसेंट ऑफ कॉस्टिक और ये आप करेंगे कैसे जब आप इससे वाटर इवेपोरेट करेंगे अब पर क्वेरी आपको ये पता करना है कि आपको इसे कितना के जी पर आवर वाटर इवेपोरेट करना है और कितना केजी के जी पर आवर के रेट से आपको ठीक लिक्वर मिलेगा सबसे पहले हम मास बैलेंस की अगर बात करते हैं तो थाउजेंड के जी पर आवर जो आपका मटेरियल इन हो रहा है तो थाउजेंड के जी पर आवर ही आउट होना चाहिए मीन्स आपका के जी पर आवर ऑफ वीक लिक्विड जो आपका यहाँ पे इन हो रहा है इज इक्वल टू के जी पर आवर ऑफ वाटर इवेपोरेटेड प्लस के जी पर आवर ऑफ थिक लिक्वर प्रोड्यूस्ड जो ये आपको बता रही है यहां को इनकी वैल्यू दी हुई है वो मैंने डाल दी। है एक्स, और जो वाला कंपोनेंट है, इसको मैंने पहली इक्वेशन जो मिल गई टेन थाउजेंड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेकेंड मेरे को इतना पता है कि जो मेरा इनपुट मटेरियल था उसमें 15 था मीन टेन थाउजेंड

आपका एक्स जो था मेरा थिक लिक्वर का के जी पर आवर में रेट आउटपुट का इंटू पॉइंट फोर यहां से मेरे को एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर मिलेगी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी के जी पर आवर जैसे ही मेरे को यहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर मिलती है इसको मैं ऊपर वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे को यहां से इजली वाई की वैल्यू कैलकुलेट होकर मिल जाएगी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी के जी पर आवर मीनस वाई था मेरा के जी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड कि मेरा जो वाटर रेट होगा वो सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी के जी पर आवर के रेट से होगा मीन्स अगर मैं मटेरियल बैलेंस की बात करता हूं तो मटेरियल बैलेंस से मेरे को पूरा आपको ये पता चल जाएगा कि किस रेट से मेरा कौन सा इनपुट होना है और किस रेट से मेरे को कौन सा आउटपुट मिलना है ये एक सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सो गाइस होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे